समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए अब बात बहराइच हिंसा की कर लेते हैं, जहां बहराइच हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली, जहां हिंसा के मुख्य आरोपी के घर नोटिस चस्पा कर दिया गया है। मुख्य आरोपी अब्दुल हमीद के घर नोटिस चस्पा किया गया है। अवैध अतिक्रमण तोड़ने के लिए नोटिस दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने घर के कागज पेश करने को कहा है। पीडब्ल्यूडी ने आरोपी को 3 दिन का समय दिया है। अतिक्रमण होने पर बुलडोजर एक्शन होगा। बाकी आरोपियों की संपत्ति की भी जांच होगी। 19 मुस्लिम और 4 हिंदुओं के घरों को चिन्हित किया गया है, जहां ये नोटिस दिया गया है। पीडब्ल्यूडी ने कुल 23 घरों पर नोटिस चिपकाया है। देखिए यहां पर कार्रवाई की गई है, जहां पर तकरीबन 19 मुस्लिम समुदाय के लोगों के घर पर ये नोटिस चस्पा है, तो साथ में 4 हिंदू समुदाय के लोगों के घरों पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। यानी कि जिस समान कार्रवाई की बात की जाती है, एक तराजू में तोल करके कार्रवाई की बात की जाती है, वहां पर ये प्रशासन की तरफ से देखी गई है, जहां पर 4 हिंदू तो 19 मुस्लिम वो के घरों पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। कुल मिला करके 23 लोगों के घर पर ये नोटिस चस्पा किया गया है। 3 दिन का वक्त दिया गया है कि आप अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें कि जो मकान है ये किसका है। अगर अतिक्रमण पाया गया तो इस पर बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होगी। तो बता दें कि बहराइच हिंसा में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जहां हिंसा के मुख्य आरोपी के घर पर तो नोटिस चस्पा किया ही गया है। मुख्य आरोपी अब्दुल के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है। देखिए जिस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले को लेकर सख्त है, आज डीजीपी ने अधिकारियों को लेकर के भी रिपोर्ट सौंपी, जिस रिपोर्ट में बैठक हुई, जहां आला अधिकारियों के साथ आधे घंटे तक ये बैठक चली है, जहां आधे घंटे की बैठक में डीजीपी प्रशांत, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बैठक में मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी रिपोर्ट दी अधिकारियों को लेकर के कि कई आरोप ये भी लगे कि कुछ पुलिसकर्मी घटना को देख रहे थे लेकिन दूर खड़े हुए थे। तो उन सभी पुलिसकर्मियों को, अधिकारियों को, उन अफसरों को इस पूरी रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, और ये रिपोर्ट गई है सीधे सीएम योगी आदित्यनाथ के पास। आधे घंटे तक आपको बता दें ये पूरी बैठक चली है, और इस बैठक में सख्त आदेश दिए गए हैं कि इस पूरी घटना में एक भी व्यक्ति को बख्शा ना जाए, जो भी आरोपी है, चाहे वो पुलिस अफसर हो, चाहे वो कोई आम व्यक्ति हो जिसने इस दंगे को भड़काने का प्रयास किया। आपको बता दें कि हत्या की, जब राम गोपाल की हत्या हुई उसके बाद से ही दंगा भड़क गया था। आगजनी देखी गई, तोड़फोड़ देखी गई, और ग्राफिक्स के माध्यम से लगातार हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कौन कौन मुख्य आरोपी था, कहां कहां मुठभेड़ हुई, और जो मुख्य आरोपी था ये नेपाल भागने की भी फिराक में था, जहां पुलिस का इससे मुठभेड़ हुई और इसके पैर में गोली लगी। आपको बता दें 2 आरोपियों को उस वक्त गिरफ्तार किया गया, जहां 13 FIR 57 लोग गिरफ्तार किए गए। पुलिस हिरासत में अभी भी 10 लोग हैं। देखिए जिस तरीके से आगजनी की गई, कई लोगों के मकानों को जला दिया गया, तोड़फोड़ की गई, और अभी भी ऐसा अंदेशा है कि शायद हिंसा भड़क सकती है, इसलिए पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। और पुलिस के ऊपर की अगर कार्रवाई की बात कर ली जाए तो पुलिस पर भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि रिपोर्ट अब सौंप दी गई है अधिकारियों की तरफ से, और उन अफसरों पर कार्रवाई होगी जो जानते थे कि ये एरिया, ये क्षेत्र बेहद संवेदनशील है, और इस तरीके का त्यौहार चल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहे हैं, तो कुछ घटनाएं हो सकती हैं, ऐसा अंदेशा था, उनको इनपुट था। उसके बाद भी उन्होंने सतर्कता क्यों नहीं बरती और इतना बड़ा बवाल हो गया, जिसके बाद सियासी संग्राम भी देखने को मिला, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो अखिलेश यादव हो, सभी ने सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा, बीजेपी की सरकार को घेरा। तो बहराइच में हिसाब अभी अधूरा है, अब बुलडोजर ये हिसाब पूरा करेगा कहीं ना कहीं। बता दें कि नोटिस चस्पा किया गया है, कुल मिलाकर 23 घरों में यह नोटिस चस्पा किया गया है, और 4 हिंदू और 19 मुस्लिम के घरों पर जो वो आरोपी है, जो अब सलाखों के पीछे है, लेकिन उसका घर जाएंगे, नोटिस चस्पा हो गया है। यहाँ पर पीडब्ल्यूडी विभाग का नोटिस है, पीडब्ल्यूडी विभाग का जो नोटिस है वो नोटिस हो गया है, और इस नोटिस में ये बात कह दी गई है कि 17 तारीख का जो नोटिस, उसमें कहा गया कि पीडब्ल्यूडी की जद में इनका मकान आ रहा है, और ये मकान स्वतः अपना 1-2 दिन में हटा लें, अन्यथा की स्थिति में सरकार इसको ध्वस्त करेगी, और जो उसका खर्चा होगा वो भी उनको वहन करना पड़ेगा। और ऐसे ही 23 नोटिस इस महाराजगंज की बाजार में लगभग सबको सर्व किए गए हैं, और ये मकान किसका है, पप्पू सनाफ राम प्रसाद, नोटिस सर्व हुआ इनको भी,
और बगल का ठीक बगल का मकान सुरक्षा है। सुरक्षा आप देख सकते हैं लगातार सब लोग बिल्कुल मुस्तैद, लगातार मुस्तैद है, घटना के दिन से मुस्तैद है। यह मकान नंदगांव पुत्र राम प्रसाद, ये एक ही परिवार के लगभग दो लोगों के नाम से, पिता का नाम एक, बलदियत एक, नाम दो। और ऐसे ही अगर यहाँ चले आए हम तो ये भी एक मकान मोहन चनाफ राम प्रसाद, यानी कि एक ही परिवार के ये तीन मकान, अलग अलग पुत्रों के नाम, पिता एक अलग पुत्रों के नाम से मकान, तीन मकान ये वो गिरने जा रहे हैं। दुकान के अंदर सामान निकाल रहे हैं लोग और ये सब हटा रहे हैं यहाँ से। एक चीज तो खाने जाएंगे, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है वो ये कि ये दुकान देखिए, ये लाल निशान लगाया गया था और ये जो एंगल लगे हैं यहाँ पर, ये एंगल लगे हैं, ये जो एंगल चाह रहे हैं ये इस बात के लिए कि यहाँ पर पटाखे का सामान भेजा जा रहा था। और उस मकान के बाद ये जो पूरा जो रास्ता आप देख रहे हैं चला जा रहा है, रोड चली जा रही है, ये जो चली जा रही है जो इसमें पीछे ये गली जाती है और इस गली का एक मकान निशान और दिखाना चाहूंगा। ये वो निशान है एक और जो यहाँ पर लगा हुआ है, ये निशान, ये लाल निशान, ये जो लाल निशान है ये सब 60 फीट का जो आकलन किया गया है इसकी जद में आ रहे हैं। तुमको जेल किस लिए हो गई? यही सब मामले में जो सबके पकड़ पकड़ के लेके जाते हैं, उनका लेके गए, बच्चन का लेके गए, अब हम तो कोई है नहीं, हम अकेले हैं। कौन कौन लेके? कौन तो बच्चे हैं हमारा आदमी। तो क्या ये यहाँ जो बवाल हुआ था 13 तारीख को, क्या उसमें भी शामिल थे? नहीं, हम लोग घर में अपने शटर बंद के अंदर थे, मगर पकड़ लेगी तो कहाँ घर में घुस गया, हम लोग कुछ न देखा न जाने क्या हुआ, बस जो हल्ला। पैसे का देखी था, अब उन लोग नाजायज कर रहे हैं, ईटा पत्थर सब ताश तो पड़े हैं, हम रही नहीं से हमारा ठेला जला दिए, दूसरों तखत ये जगह पड़े जला दिन, टैरेट बोतल बेचा तो हर जगह एम्प्टी बाहर लगी रहा था, हम लोग कोई प्लानिंग व्लानिंग ना रहे मारपीट करने का, लेकिन वो सब टैरेट उठा उठा के वही आग में जला दी। कोई भी हम लोग के सब मतलब बाहर ऐसे बैठ रहा है, दुकान खुली रहा है, झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन जब जाने की बवाल होने लगा तो हम लोग अपने शटर गिराए अंदर, लेकिन पूरा पैक रहा एकदम, हम लोग बाहर निकल नहीं, लेकिन उन्होंने कुछ ना बोले रहे, जब इन्हीं लोग जास्ती की है मतलब गाली अपनी गंदी गंदी देख रहा है, कहीं से मैं वीडियो होती तो आपका दिखाई देती तो रोक आदमी ले गई भाई कि अपने समाज के जो कुछ करना है वो करो, हम तुमका रोके तो हम तो गाली कह दे तो हम लोग के मक्का मदीने के बारे में गाली से बात कर रहे थे, इतना जास्ती करोगे तो कौन नहीं बोलेगा। तो बहराइच में अपना घर खाली कर रहे हैं लोग, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां दुकानों से अवैध निर्माण हटा रहे हैं लोग। बहराइच में बुलडोजर एक्शन से लोगों में दहशत देखी जा रही है। बहराइच में लोग अपना मकान खाली कर रहे हैं, दुकानों को खाली कर रहे हैं, साथ ही अवैध निर्माण हटा रहे हैं। 23 आरोपियों के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है, अतिक्रमण हटाने का नोटिस दिया गया था, सिर्फ अब 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है, उसके बाद कार्रवाई देखी जाएगी। जो भी अपने मकान या दुकानों को खाली नहीं करेंगे और अगर वो अवैध पाए गए तो उन पर अतिक्रमण होगा, यानी कि अगर अतिक्रमण किया गया तो उस पर बुलडोजर की कार्रवाई जरूर होगी। तो आप देख रहे हैं लोग लोडर में सामान भर करके अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं। ये तस्वीरें एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको बहराइच से दिखा रहे हैं जहां कुछ दिन पहले आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई और राम गोपाल मिश्रा की हत्या हुई, जहां 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। हम सरकार से यही कहना चाहेंगे कि जो है अगर रोड के जो अक्रमण था तो पूर्ण पार था, ये 24 घर मात्र आ रहे हैं क्यों, हम भी सब आ रहे हैं, हम भी तो मूल जयसवाल जयसवाल हम भी हैं, जो अगर ओरम पार पूरा जाए तो आज हमें कोई सोच नहीं रही, 80 फुट ले रहे थे, पहले 28 फुट मानक थी, आज के 2 साल पहले मानक निशान लगा गया 28 फुट की, हम बाहर पर रहे तो हमारा निशान कोई नहीं लगा, अब 60 फुट नोटिस लगा के 60 फुट पड़ेगा, तो हम मकान भी जा रहा तो रहने के भी व्यवस्था तो नहीं है, हमारे पढ़ने को बनवाने की उसको दान भी नहीं है, अब कई बाग में चले जाएंगे, भग जाएंगे, वहीं पर पन्नी तान के रहेंगे, वहीं करेंगे। रहने वाले हमारी दूसरी ब्रांच थी गोपाल बेकरी के नाम से, तो रेंट की दुकान थी, किराए पर हमने ले रखा था और मकान मालिक ने बताया कि भाई नोटिस लग गई है तो आप अपनी दुकान खाली कर दें, कोई नुकसान ना हो आपका, इसलिए तो लेके जा रहे हैं, भगवान को जाएंगे, यहाँ से 8 किलोमीटर से हमारी अपनी दूसरी दुकान है वहाँ ले जाएंगे। ये प्रशासन और सरकार लगता है बहुत डरी हुई है। मुझे रात को ही एक चिट्ठी आ गई सिटी मजिस्ट्रेट के, उसके बारे में वहाँ का कोतवाल भेजा कि आपको अनुमति नहीं दी गई है, दूसरा चिट्ठी फिर
डीएम की तरफ से आ गई, तो ये रोकने का मैं अभिप्राय नहीं समझ पाया। क्यों इतना डरे हुए हैं, हम जाते तो कौन हो जाता। उनका ये कहना कि आप आएंगे तो यहाँ की स्थिति बिगड़ सकती है। तो ये जो घटनाएं हैं इसको तो मैंने देखना चाहता था, जानना चाहता था, उसकी सत्यता मैं जनता के बीच में उजागर करना चाहता था। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशांक सिन्हा जुड़ चुके हैं। शशांक, देखिए अभी हमने आपकी रिपोर्ट देखी जहां आप दिखा रहे थे कि कई घरों में नोटिस चस्पा कर दिए गए और तस्वीरें लगातार एक्सक्लूसिव हिंदी खबर पर हम दिखा रहे हैं जहां पर लोग अपने घरों से सामान निकाल करके कहीं और जा रहे हैं, दुकानों से सामान निकाला जा रहा है। ये सब मैं आपको बता दें कि बहराइच में जो महाराजगंज है ये इस समय हॉटस्पॉट है, इसलिए कि जो घटना यहाँ पर हुई उसका परिणाम है कि 23 लोगों को नोटिस सर्व हुई है पीडब्ल्यूडी के द्वारा और 72 घंटे की जो मोहलत है वो म्याद भी कल समाप्त हो जाएगी। और ऐसी उम्मीद की जाती है कि चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को लेकर बहुत गंभीर हुए थे और उन्होंने ये सख्त हिदायत दी थी पूरे प्रशासन को कि इसमें जो भी स्थिति बन पड़े, अपराधी किसी भी प्रजाति का हो किसी भी धर्म का हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। और वही कारण है कि आज वो जो अपराधी जल्दी पकड़े भी गए, इनकाउंटर हुआ, एक मुठभेड़ हुई पुलिस से, उनको गोली लगी, आप जज ने फैसला सुनाया, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में गए। और अब ये वो घर है, ये जहां मैं खड़ा हूं इस समय उसी अपराधी के, उन्हीं अपराधियों का घर है जिसमें एक डॉक्टर साहब किराए पे अपना क्लिनिक चलाते थे, वो खाली कर रहे हैं। ये उनका कुछ सामान है जो यहाँ पड़ा हुआ है और अभी थोड़ी देर पहले ट्रैक्टर से काफी सामान उनका जा चुका है। और ऐसे ही कमोबेश स्थिति पूरे महाराजगंज बाजार की देखी जा रही है। जिनको जिनको भी नोटिस मिला है वो अब स्वतः अपना घर जो थोड़ा बहुत सामान अपना संजो सकते हैं वो संजो रहे हैं। बाकी की स्थिति अगर बिल्डिंग की बात की जाए तो स्वाभाविक है, बिल्डिंग हटाना उनके लिए भी मुश्किल। और अब जब मियाद खत्म होगी तो यहाँ पर जरूर गड़गड़ाहट सुनाई पड़ेगी उन बुलडोजरों की जिसे बाबा का बुलडोजर कहा जाता है। हम थोड़ा सा एक बात और दिखाना चाहेंगे आपको, यहाँ पर ये पीछे आप देखें, आप कैमरे साथ चल के आए और ये जो स्थिति है पीछे, ये ऐसी तरह से रिक्शे पे ये दुकानें देखने खाली कर रहे हैं लोग, दुकान खाली हो रही है, सामान ले जा रहे हैं। मैं जब सोमय जी एक बार आपकी बात कराना चाहूंगा यहाँ पर, इनसे क्या नाम है आपका, ये आपका क्या ये दुकान किराए पे है, सामान ले जा रहे हैं आप यहाँ से, सामान छोड़ने जा रहे हैं ये, और दुकान का मालिक कौन है, अंदर है मालिक साहब, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करने की, हालांकि मुझे आप देख नहीं रहे। बिल्कुल शशांक, देखिए अभी हमने कुछ, बिल्कुल लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।